रणजीत गौरव सिंह आपको कोच होस्ट। आज हम बात करते हैं थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में कि बेसिकली थायराइड की प्रॉब्लम मैक्सिमम वुमेन्स के अंदर या आज के डेट में ये मेंस के अंदर क्यों हो रही है। अगर ये हो चुकी है तो उसको क्या रीजंस रहेंगे जिसके थ्रू आप इस प्रॉपर बीमारी को ठीक कर सकें, और क्या क्या मेडिकेशन क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए जिसके थ्रू आप इस प्रॉपर बीमारी को ठीक कर सकें अपने लाइफ के अंदर। नाउ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा, 1, 2 और 3 कॉम्बिनेशंस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखेंगे कि मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बीच बीच में बताऊंगा। तो आप अगर आप कोई वीडियो मिस कर देते हैं या कोई वीडियो का कोई पोर्शन मिस कर देते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि क्या कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नहीं हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप फेसबुक के थ्रू इस पूरे चैनल को, इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आप यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थायराइड, थायराइड इज अ वन टाइप ऑफ ग्लैंड हार्मोन्स जो रिलीज करता है T3 और T4 लेवल्स को। दो टाइप के थायराइड होते हैं जहां पे मैक्सिमम लोगों को हम सुनते हैं और देखते हैं। पहला है हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म। ये दो टाइप के थायराइड रहते हैं जिसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें T3 और T4 का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर हम बात करें हाइपोथायरिज्म की, वहाँ पे आपका T3 और T4 कम हो जाता है और T3 और T4 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहता है आपका हाइपरथायरिज्म में। नाउ 2006 से पहले अगर हम बात करें तो आयोडीन में या आयोडीन की जो कमी होती वो हर एक इंसान के अंदर पाई जाती थी। साल्ट में आयोडीन नहीं आता था जिसके थ्रू क्या होता था कि आज कंपनी 2006 के बाद अपने हर एक नमक के अंदर आयोडीन अलग से डालती है। ये कंपलसरी भी हो गया और साथ में आज कहीं ना कहीं कंपनी का एक ट्रेंड बन गया है कि आयोडीन होना ही चाहिए। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये आयोडीन आने लग गया है तो उसके बाद से जो थायराइड की प्रॉब्लम लोगों के अंदर वो कम हो चुकी है, बट उससे पहले जिन लोगों की हो रखी थी वो जेनेटिकली लोगों तक ट्रांसफर हो रही थी। अगर वो जेनेटिक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो ये ब्रेक और ये चेन खत्म हो जाएगा और थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं सिम्टम क्या है जिससे आप पहचान पाएंगे कि एक इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम है। भूख कम लगना, वजन बढ़ना, सूजन आना, चिड़चिड़ापन रहना, बंदा या बंदी कहीं ना कहीं एक पर्सन रहता है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और हर एक चीज़ के लिए चिढ़ता है, हर एक काम के लिए चिढ़ता है। उसके साथ साथ हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको स्वेटिंग नहीं आती है। तो ये एक भी तरह तरह का कहीं ना कहीं थायराइड की प्रॉब्लम में अंदर आता है। और वीकनेस ज़्यादा रहना, ठंड जल्दी लग जाना या गर्मी जल्दी लग जाना, लू लग जाना, कब्ज, दिल की धड़कन का कम हो जाना, पिंपल आना, मेमोरी लॉस हो जाना, ये सारे लक्षण्स हैं जिसके थ्रू आप पहचान पाएंगे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है। वुमेंस का पीरियड मिस हो जाता है या वुमेंस के जो पीरियड होते हैं उसके लक्षण बहुत ही ख़राब होने लगते हैं और काफ़ी देर तक लोगों को ये पता नहीं लगता कि इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप पर्सनली डॉक्टर के पास जाके इस ट्रीटमेंट को चेक कराएं कि आपको है या नहीं है। पता कैसे चलेगा लोगों को कि कौन सा ट्रीटमेंट उसको करवाना है? टेस्ट लाइक थायराइड प्रोफाइल, T3 और T4 का अलग से टेस्ट होता है जिसमें ESH लेवल को प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। और जहाँ पे आपका अगर आपका TSH लेवल बढ़ चुका है, T3 T4 लेवल बढ़ चुका है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक टैबलेट आती है जिसकी 25 ग्राम या 12.5 ग्राम की एक कैप्सूल आएगी जिसको आपको यूज़ करनी है, खानी है और डाइट प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करनी है। थायराइड के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कोई भी डाइट का ऐसा कोई सर्टम है ही नहीं कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है। वहाँ पे कुछ भी आप सब कुछ खा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि बंद गोभी, मिल्क प्रोडक्ट, फुल गोभी या स्मोकिंग। इन सब चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से थोड़ी देर के लिए हटाना है ताकि आपका थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और भी आती है, हम आरा थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको जो दवाई है वो आपको सालों साल जिंदगी भर खानी पड़ेगी थायराइड की, बट उसके पीछे रीज़न क्या है? आपके घर में जो मसाला वाला खाना है अगर आप वो खाते हैं तो उससे भी तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो हो सके उससे उतना आप कम थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कम से कम मसाला वाला खाना खाएं। थायराइड को ठीक करने का मेन रीज़न क्या है? डॉक्टर अंदर एक बात कहते हैं कि आपको अगर ठीक करना है तो आपके अंदर ही वो डॉक्टर मौजूद है जो थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना है? आपको LWPW प्रोसेस को फॉलो करना है। L का मतलब लिविंग फूड। आपको लिविंग फूड खाने, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
स्प्राउट्स हो गया या ग्रेन्स हो गया, या अगर आप कोई पैकेट फूड खा रहे हैं उसको उसको हटाना है। पैकेट फूड नो, क्योंकि प्रगति आपको पैकेट फूड कभी भी नहीं देती है। आपको जिंदा फ्रूट खाने हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गया, इन सब चीज़ों को आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ग्रो करना स्टार्ट करती है और आने वाले टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं। होलसम, डब्लू मतलब होलसम, होलसम मतलब कि आपको रिमूव करना है शुगर, ऑयल, मैदा, राइस। आपको इसकी जगह इंक्लूड करना है ब्राउन राइस, व्हीट विथ ब्रेन, डेट्स एंड जैगरी। ये सब चीज़ें क्यों? इन सब को यूज़ करने से आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन मिलने के साथ साथ आप इस तरीके से कंज्यूम भी कर सकते हैं। नाउ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है, पी फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको रिमूव करना है कुछ टाइम के लिए मीट, रेड मीट जिसे हम कहते हैं, फिश, एग्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। उसकी जगह आपको यूज़ करना है फ्लैक्स सीड्स, चाई सीड्स, उसके बाद आपका चना, बीन्स, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं जो प्लांट बेस्ड और उसके थ्रू आपके मिल रहे हैं। नौ फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते हैं वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये एक ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें आपको रस मिलता है। अगर आज आप मार्केट में जाते हैं, कोई आप चिप्स खाते हैं, उसका पैकेट बनाते हैं, उसका जूस बनाते हैं, तो उसको जूस नहीं बनेगा, बट ब्रेड का जूस नहीं बनेगा। बट अगर आप एक खीरे का जूस, एक अनार का जूस या एक एप्पल का जूस अगर बनाते हैं, उसका जूस बनेगा, उसको आप पी सकते हैं। उसको अल्टीमेटली उसको एक नेचुरल फ्रूट को आप अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। सो आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव तरीके से फॉलो करना है कि किस तरीके से आप नेचुरल फूड के रिसोर्सेज को, नेचुरली जूस को आप ले सकें। मार्केट से आपको जूस परचेज करके नहीं लेना है। टेट्रा पैक जो आता है, रियल का आता है, वो आपको नहीं लेना, क्योंकि उसमें एक एडेड प्रिजर्वेटिव्स रहता है, कलर्स रहता है, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन डाले गए हैं जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। ऐश कार्ड मतलब कि अगर हम बात करें एक प्रॉपर तरीके से रूटीन फॉलो करने के लिए, तो आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं आपको एक पेठे का जूस पीना है। पेठे का जूस क्यों? वहाँ पे आपको पेठे का जूस आपकी बॉडी में जाता है, प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को क्लीन करता है, और क्लीन करने के बाद आपकी बॉडी एक तरोताज़ा फील करती है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे लंच। लंच में आपको राजमा, चना और पल्सेस आपको खाने हैं। इसके थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में आपको सैलड या सूप पीना है। इसके थ्रू आपका डिनर का खाना लाइट रहना चाहिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ने के लिए आप अलग से यूज़ कर सकते हैं आपका रेनिटर्स नोवा। रेनिटर्स नोवा एक आयुर्वेदिक ऐसा हर्ब है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, जिसमें आपको बिलबेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है, आपको इसमें आपको एल्डरबेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है, अश्वगंधा मिलता है, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट मिलता है, मैंगोस्टीन मिलता है, मैंजिस्ता मिलता है, और सिगरू मिलता है, शतावरी मिलता है, जो आपकी बॉडी में जाकर आपके थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक टेस्टिमनी भी है, इसमें एक गर्ल ने इस प्रोडक्ट को 2 से 3 महीने यूज़ करा और उसका थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका, उसका वेट लॉस हो गया। तो उसी तरीके से अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको अपने थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को देखने के बाद या इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप डेफिनेटली अपने रिजल्ट के ऊपर आप अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो पाएंगे। इस वीडियो को देखिए आप, जो टेस्टिमनी हमने शेयर करी है, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि थायराइड के रिजल्ट के ऊपर कितना अच्छा ये प्रोडक्ट असर दिखा सकता है आपकी बॉडी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मेरा नाम मुमताज है और मैं क्या नाम है ये खा रही थी जी। और इससे मेरा वेट भी कम हुआ है, थायराइड भी कम हुआ है, और मेरे गांठें हो रही थी और उसको भी आराम मिला है। और आपको चेहरे पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है, चेहरे पे भी बहुत फर्क लगा है, ग्लो आ रहा है चेहरे पे जी। और लगा शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत चली माशाल्लाह। तो आपको भाभी और जो महिलाएं हैं ऐसी, जो लेडीज है प्रॉब्लम में हैं, जिनको ऐसे थायराइड की, गांठों की, यार इस चीज की समस्या है, तो आप अपनी क्या कहना चाहेंगे उन लोगों की, ये सप्लीमेंट लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो भाभी इसको पूरा इंडिया की जो महिलाएं हैं वो देख रही होंगी इस वीडियो को, तो आपको कैसा पहले में और अब में क्या फर्क लग रहा है? पहले में बहुत जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। तो पहले कैसा फील करती थी और अब कैसा फील कर रही है? बाहरीपन करती थी जी, वेट भी बढ़ रहा था मेरा, अब वेट भी कम हो गया मेरे से। चलिए, और इंशाल्लाह भी तो आप खाएंगी कंटिन्यू ये, तो दुआ देंगे इंशाल्लाह। नौ आज डेट में आपने बहुत सारे नमक के बारे में सुना होगा, टाटा नमक, ये नमक, वो नमक, बट आज के डेट में आपको अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको इन सभी नमक को छोड़ के सेंधा नमक को यूज़ करना है, क्योंकि वो एक आयोडाइज साल्ट नमक है जो प्रॉपर तरीके से आपके थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इसी के साथ साथ आप फास्टिंग का प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग के प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और आपकी बॉडी हील कर पाएगी आपको।
क्योंकि अगर वो सारा काम आपके डाइजेशन में लगाती है तो आपकी बॉडी को हील नहीं कर पाती है। तो कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी उठें, और जल्दी से जल्दी उठने के बाद आप अपना खाना जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ब्रेकफास्ट जल्दी करें, 1 बजे आप अपना लंच कर लें, और रात के टाइम आप 7 बजे अपना डिनर कर लें, जिसके थ्रू 7 बजे से लेकर अगले 7 बजे तक अगर आप करें या 10 बजे तक आप खाना खाते हैं मॉर्निंग में, तो भी कहीं ना कहीं आपका जो खाना रहेगा प्रॉपर तरीके से पचेगा। ब्रेकफास्ट लाइट रखिए, लंच हैवी रखिए, और डिनर लाइट रखिए, जिसके थ्रू आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम मिलेगा खाने को पचाने के लिए। ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगे तो आपका लाखों रुपए लग जाएगा। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करते हैं 6 महीने तक, तो थायराइड की प्रॉब्लम को आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप यूज़ करिए और शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और साथ ही इसको आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि आप उनकी लाइफ में एक प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें, वो अपने उनको वो पैसे बचा सकें अपने, और आप ब्लेसिंग कमा सकें। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार।